हे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। एक गाड़ी आया जिसमें रीजनरेशन रिक्वायरमेंट और विजिट वर्कशॉप है, तो काफ़ी ज़्यादा देर तक परेशान हुए, तो वीडियो हम आप लोग के लिए छोटा ही बनाए, पहले प्रॉब्लम को ढूंढ लिए उसके बाद इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कौन फॉल्ट पर कैसे और क्यों काम करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए। दो फॉल्ट कोड आया इसमें, DPF स्विच लैंप ओपन सर्किट फेलियर और बूस्ट प्रेशर का। तो काफ़ी देर इस पर परेशान हुए, उसके बाद DPF स्विच लैंप, तो ये आपको डिजनेशन वाला बटन जो होता है उस बटन का ये फॉल्ट कोड, अगर उस बटन का कपलर खुल जाएगा तो DPF स्विच लैंप का ओपन सर्किट फॉल्ट कोड फेलियर आ जाएगा। और बूस्ट प्रेशर इसमें आप देखिए सबसे नीचे में एग्जॉस्ट थ्रोटल स्टॉक, इसका ETB भी ख़राब है। ETB चेक करना है तो आपको पता ही है, ETB चेक करने के लिए 100%, 50%, 0% थ्रोटल वाल्व चेक करने का रहता है, फीडबैक और डैमेज। तो अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से चेक करना है ETB 100%, 50%, 0%। तो इसमें जो वर्क किए हैं, जो उन कपलर होता है उसको आप देखिए, ये कपलर खुला हुआ था, ये कपलर जब हम लगाए तो फॉल्ट कोड मेमोराइज हो गया। देखिए दोस्तों, ये रीजनरेशन वाला स्विच जो रहता है, जिसको बटन दबा कर रीजनरेशन करते हो, स्विच एक और हो गया, एक स्टॉप रीजनरेशन स्विच रहता है जिसमें मतलब इसको छूना मना वाला लोगो लगा रहता है। देखिए यहाँ पे ये स्विच इसका खुला हुआ था। देखिए अब इसको हम लगा देते हैं, लगाने के बाद इसका फॉल्ट कोड मेमोराइज हो जाता है। तो देखिए आपको मेमोराइज भी दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको काम करना। अगर आपको कोई भी फॉल्ट कोड पर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर लिख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में कोई दिक्कत हो आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दें, हम आपका उस भी चैनल मतलब उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, लैपटॉप लगाए, देखिए दोनों फॉल्ट कोड मेमोराइज हो गया। तो आपको एग्जॉस्ट थ्रोटल बल्ब स्टॉक लिखा रहा है, यानी एग्जॉस्ट थ्रोटल बल्ब जाम है, तो आपको एग्जॉस्ट थ्रोटल बल्ब चेंज कर देना। एग्जॉस्ट थ्रोटल बल्ब का टेम्प्रोरी में भी और कन्फर्म में भी फॉल्ट कोड आता है, तो आपका एग्जॉस्ट थ्रोटल बल्ब जाम है, इसको चेंज कर सकते। अगर आपको कोई भी फॉल्ट कोड पर दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट कर दें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप लोग को नंबर चाहिए तो आप नंबर भी मांग सकते हैं, कमेंट में आपको ज़रूर नंबर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।